अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं कोई कुकिंग की वीडियो शेयर नहीं कर रही। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी टिप जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ, और वो टिप है कि मैं अपने बर्तनों की क्लीनिंग किस तरह से करती हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये मेरे चाय वाला पैन है जिसमें मैं रोज़ाना डेली बेसिस पर चाय बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कुछ दिन अगर बर्तनों को अच्छी तरह से रगड़ाई ना की जाए तो इस तरह से दाग पड़ जाते हैं पैन में। इसी तरह से नॉन स्टिक पैन में भी आप देख सकते हैं कि चिकनाई जो है ना वो बड़ी देर से जाती है, और हम इसमें जब ऑयल वगैरह डालते हैं तो चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आती है। इसको भी मैं किस तरह से साफ़ करती हूँ आपको इसकी बैक साइड भी मैं दिखाती हूँ, अभी दिखाऊँगी कि वो हम किस तरह साफ़ करेंगे। ये देखिए कितना गंदा, और इसको भी हम साफ़ करेंगे। और मैं मैजिक लिक्विड एक बनाती हूँ आज आपके साथ, तो मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं वो मैजिक लिक्विड किस तरह से बनाती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और मैं आपको सबसे पहले बनाना बताऊंगी मैजिक लिक्विड, और फिर मैं आपको क्लीनिंग करना बताऊंगी कि मैं अपने पैन, सॉस पैंस और दूसरे बर्तन जो होते हैं मेरे अगर गंदे हो जाए तो मैं किस तरह से वॉश करती हूँ। ये देखने ये कितना गंदा हो रहा है। ठीक है, इसकी मतलब अगर हम 1 वीक इसको अच्छी तरह से सफाई ना करें तो इस तरह से चाय के निशान पड़ जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम लिक्विड। अच्छा, ये देखिए ये वो चीज़ें हैं जो हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, मौजूद होती हैं। तो ये है मेरे पास बर्तन धोने वाला लिक्विड, बेकिंग सोडा, और ये है वाइट विनेगर, ये भी हर घर में मौजूद होता है। तो बस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम इसको लेंगे और अपना एक अच्छा सा लिक्विड तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ बेकिंग सोडा 2 टेबल स्पून के करीब। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से जितने आपके बर्तन गंदे हों, यानी कि 4-5 जितने, तो आप ज़्यादा बना लें। अगर 1-2 है मेरी तरफ तो आप 2 टेबल स्पून दे दें। मैं वीक में एक दफ़ा इस तरह से ज़रूर करती हूँ अपनी बर्तनों की क्लीनिंग। इसके बाद मैं ले रही हूँ लिक्विड, बर्तन देंगे 2 टेबल स्पून के करीब। ये भी हमने 2 टेबल ले लिए हैं, और अब हम देंगे 2 टेबल स्पून के करीब ही वाइट विनेगर। अच्छा देखिए, विनेगर डालते ही ये बहुत अच्छा सा जो ना फॉर्म की शक्ल तैयार करेगी। आप देखें, बस यही हमारे मैजिक लिक्विड है। यकीन करें इससे आपकी बर्तनों की क्लीनिंग होगी, आप खुद देखेंगे कि कितनी अच्छी होती है। तो चलिए इसको 2 मिनट के लिए हम रख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये मैंने रख दिया सिंक में, अपना सॉस पैन चाय वाला डाल देंगे इसके अंदर मैजिक लिक्विड, थोड़ा सा इसको फैला लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम फ्राई पैन में भी डालेंगे मैजिक लिक्विड। इससे ये होगा कि जो आप लिक्विड डाल रहे हैं सॉफ्ट हो जाएगी, चिकनाई सारी ऊपर आ जाएगी। इस तरह से फैला लेंगे। बस आपने करना क्या है कि 2-4 मिनट इसको इसी तरह से रखना है, ठीक है, ताकि चिकनाई ना सामने आए। तो फिर इस तरह से एक सॉफ्ट सा स्पंज ले लेंगे, उससे हम इसको बहुत अच्छी तरह से सफाई करेंगे। फिर सख्त हाथों से सफाई करेंगे इस तरह से। 2-4 मिनट आपने थोड़ा अच्छी तरह से रगड़ना है इसको। इसके बाद इसका कमाल देखिएगा कि कितने ज़बरदस्त से चमक जाएंगे बर्तन आपके। और ये देखिएगा मेरा सॉस पैन बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ मैं इसको, और 2-4 मिनट के बाद आप ये देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त साफ हो गया। ये देखिए, देखिए कैसे चमक रहे हैं मेरा सॉस पैन। इसी तरह से मैं सारे बर्तनों को ही जो 1 वीक में एक दफ़ा ज़रूर क्लीनिंग करती हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉन स्टिक को हमने नरम स्पंज से धो लिया, वहाँ से साफ़ कर लिया। इसके बाद हमने पीछे वाली साइड जिस पर भी मैंने वो लगा दिए थे मैजिक लिक्विड, इसके बाद हम बहुत अच्छी तरह से स्टील वूल से इसकी अच्छी सी तरह देखिए इस तरह से हम इसकी करेंगे क्लीनिंग। आप ये भी देखिएगा कितनी अच्छी तरह से चमक जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा आपका सॉस पैन, फ्राई पैन सारे इसी तरह से चमकेंगे, ये आप देख सकते हैं। अच्छा देखिए, ये अभी 1 टाइम की क्लीनिंग पर है। अगर मज़ीद आप साफ़ करना चाहते हैं, 1-2 दफ़ा और साफ़ कर लेंगे तो जो बिल्कुल ही जो है ना इसकी जो ब्लैक ब्लैक आपको जो नज़र आ रहे निशान वो ख़त्म हो जाएंगे।
तो ये मेरा सॉस पैन तकरीबन 1.5-2 साल पुराना है। मिसेज ऐसे क्लीनिंग करती हैं अपने बर्तनों के, बहुत अच्छे रहते हैं मेरे बर्तन में। ये देखिए आपके जितने भी स्टाइल के बर्तन हैं सब की आप सफाई कर सकते हैं, इवन कि स्टील के बर्तनों को भी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सफाई हो गई, कोई चिकनाहट नहीं है इसके अंदर, बहुत अच्छी तरह से सफाई हो गई। तो चलिए इसी तरह से सारे अपने बर्तनों को आप चमकाएँ, क्योंकि बर्तन साफ हो तो बहुत ही अच्छा लगता है पकाने में भी। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी चैनल को आप कीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। फिर किसी नई टिप और ट्रिक के साथ हाजिर होंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद।